Good morning, students. I am your maths teacher, Amin Haider, at Bera Foundation College, Nusharo Feroz campus. Today, we are going to learn how to solve a rational number in a radical form. How to do addition in radical form of rational numbers. How to do subtraction of the rational numbers in radical form. In our previous lecture, we have discussed how to add a rational or irrational number, then how to solve the square root of the rational or irrational number, and then we get the answer up to 3 decimal places. So in this lecture we have to learn how to solve addition and subtraction of rational numbers in a mixed form, in the mixed fraction, or in a radical form, or in a irrational or irrational numbers. तो आज हम सीखने वाले हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है जबकि वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में मिले हुए हों या जब वो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिले हुए हों और उन पे रेडिकल भी हो तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाएगी. तो आई हैव स्टार्टेड हियर क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 7. So, question number 6 के मैंने दोनों problems लिखे हैं यहाँ पर board पर और दोनों solve करेंगे. देखना ये है concept ये कल clear करना है कि इनको solve किस तरीके से किया जाता है, method क्या है, तरीकेकार क्या है. ठीक है, रट्टा नहीं लगाना problems का concept clear करके solve करना है कि किस तरीके से, किस way से, किस procedures से ये problems solve हो रहे हैं. How to do a procedure, how to do a way. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बेसिकली होता यह है कि जो स्टेप आप परफॉर्म करते हैं ना, अगले स्टेप में आपको किस तरह से जाना है, ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप आपको खुद ही बताएगा कि नीचे वाले सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है. यानी कि नीचे वाले स्टेप में आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो आपको पहला वाला जो स्टेप आप परफॉर्म करके आए हैं, दे विल टेल यू, इट विल टेल यू कि हाउ टू डू द नेक्स्ट, What to do the next. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1. तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. क्वेश्चन मिला हुआ है आपको रेडिकल फॉर्म में, 4 होल 1 अपॉन 2 होल अपॉन 2 प्लस रेडिकल फॉर्म में अगेन 12 होल 1 अपॉन 4 अपॉन 9. तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली. देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर अगेन मैं नंबर सेम लिख रहा हूँ, 4 होल 1 अपॉन 2 होल अपॉन 2 प्लस 12 होल 1 अपॉन 4 होल अपॉन 9. ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर वाले नंबर्स का मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. यानी कि 4 2 जार 8 प्लस 1 इट विल बी 9 अपॉन 2 होल अपॉन 2 प्लस 4 12 4 जार 48 प्लस 1 इट विल बी 49 अपॉन 4 होल अपॉन 9. ओके, we have convert the mixed fraction of the in the radical form into proper fraction. Then what to do? अब देखें ये two division में है, ये two division में है तो ऊपर चल के क्या करेंगे, multiply. ये nine division में है नीचे तो ऊपर चल के four के साथ क्या करेंगे, multiply. यानी कि देखें हर step आपको खुद बताता जा रहा है कि आपने next करना क्या है, second step में, third step में आपको करना क्या है. यानी कि अब यहाँ पर हमें 2 खत्म करने हैं, यहाँ से 9 खत्म करने हैं, किस तरह से खत्म होंगे, look at here, यहाँ पर आपने 9 upon 2 लिखा, ये नीचे 2, यहाँ पर डिवाइड करना है 2 के साथ, तो ऊपर चल के क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेम वे से आपने क्या करना है, 49, 4 के साथ 9 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो ऊपर चल के 9 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आ गई रेडिकल फॉर्म में, तो ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मजीद किस तरह से सॉल्व होगा. यानी कि रेडिकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं 9 1 जार 9, अगेन 2 2 जार 4, अगेन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ प्लस, देन 49 मल्टीप्लाई बाय 1, 49 एंड 9 4 जार 36. तो ये आ गया आपके पास. अब देखें 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 49 का और 36 का, चारों नंबर के आपके पास स्क्वायर रूट निकल रहे हैं. तो अब आप क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स. सो यहां पर 3 अपॉन 2 आएगा प्लस यहां पर 7 अपॉन 6 आएगा. क्लियर,
अब देखिए ये वाला नंबर्स आपके पास आ गए प्लस में सिंपली, जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चंस कर लिए थे। यानी कि आप देखिए यहाँ पर 2 और 6 की एलसीएम क्या बनेगी, 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, क्लियर। अब देखिए 3 2 6 आपने ले ली यहाँ पर एलसीएम, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 6 को 2 के साथ डिवाइड करें तो ये होगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, 6 में डिवाइड हो गए तो ये हो गया आपके पास 7। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9 प्लस 7 अपॉन 6, 9 को 7 में प्लस करेंगे तो इट विल बी 16, ये आ गया आपके पास 16 अपॉन 6। दोनों पे 2 की टेबल जा रही है, इस पे 2 की टेबल 8 टाइम, इस पे 2 की टेबल इस पे 2 की टेबल 3 टाइम और इस पे 2 की टेबल जा रही है 8 टाइम, दैट मींस आपके पास नंबर आया है 8 अपॉन 3। आपको क्या चाहिए, अब आपको नंबर चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि आपका क्वेश्चन का जो नंबर मिला हुआ था, क्वेश्चन के जो टर्म्स मिले हुए हैं वो अगेन आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप क्या करें 8 को डिवाइड करें 3 के साथ, 3 2 आर 6, 2 बचे यहां पर नीचे। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आपका ये 2 का आंसर ले लें, ये 2 जाएंगे न्यूमिनेटर में और ये 3 जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं, रेडिकल नंबर्स अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में मिले हुए हो, या अगर आपके पास रेडिकल नंबर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले हुए हो, तो सबसे पहले आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना है, देन देखेंगे कि नीचे वाला नंबर डिवीजन में है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व हो रहे हैं। सेम वैसे आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। यानी कि नंबर में लिखा हूं आपके पास यहां पर है 3 होल 1 अपॉन 5 होल अपॉन 5 प्लस 3 होल 1 अपॉन 8 होल अपॉन 8 माइनस 4 होल 9 अपॉन 10 होल अपॉन 10, ये नंबर मिला हुआ है आपको, क्लियर। अब देखिए पहले तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व किया जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व होगा, 3 5 जा 15 प्लस 1 इट विल बी 16 अपॉन 5 होल अपॉन 5, देन यू हैव टू पुट द प्लस, then come to the next radical. Next radical is 3 8 are 24 plus 1 it will be 25 upon 8 whole upon 8. Again you have to put the symbol of minus, sign of minus. Then move on the third radical, it will be 4 10 are 40. 40 plus 9 it will be 49 upon 10. 49 upon 10 whole upon 10. ठीक है, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, देन देखते हैं अगेन नीचे वाला नंबर अगेन डिवीजन में है, नीचे वाला नंबर डिवीजन में है तो ऊपर जाकर नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि ये नंबर इस तरह से होगा 16 upon 5 whole upon 1 upon 5 प्लस ये नंबर इस तरह से आएगा 25 upon 8 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 8 माइनस ये नंबर इस तरह से आएगा 49 upon 10 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 10, क्लियर। अब देखिए आपने नंबर्स क्या करा लिए, मल्टीप्लाई भी करा लिए, अगेन देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, 16 1 जा 16 5 5 जा 25 प्लस 25 1 जा 25 8 8 जा 64 माइनस 49 1 जा 49 10 10 जा 100, तो ये नंबर्स आपके पास आ गए, क्लियर। अब देखिए ये वाला हिस्सा थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, अब नंबर क्या आ रहा है आपके पास, इस तरफ लेके जा रहे हैं हम इसको, नंबर क्या आ रहा है आपके पास, देखिए 16 का रेडिकल निकल रहा है, 16 का रेडिकल निकल रहा है आपके पास 4, 25 का रेडिकल निकल रहा है 5 प्लस आपके पास 25 का रेडिकल निकल रहा है 5, 64 का रेडिकल निकल रहा है 8, अगेन आपके पास माइनस में 49 का रेडिकल निकल रहा है 7 और 100 का रेडिकल निकल रहा है 10। आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में रेडिकल खत्म होके नंबर्स आ चुके हैं। अब रेडिकल खत्म होके जो ये नंबर्स आ चुके हैं आपके पास, पहले दो टर्म प्लस हो रहे हैं, तीसरा माइनस में है और तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। यानी कि तीनों टर्म्स के क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम। 5 8 और 10 की क्या लेंगे आप, एलसीएम। 2 की टेबल 5 4 5 अगेन 2 की टेबल 5 2 5 अगेन 2 की टेबल 5 1 5 अगेन 5 की टेबल 1 1 1, क्लियर। अब ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये तो हो गए 8 8 मल्टीप्लाई बाय 5 8 5 जा 40, यानी कि 40 आ रही है एलसीएम,
40 आ रही है LCM, तो यहां पर आपने 40 LCM लगा ली, क्लियर। 48 LCM लगा ली, अब तरीकेकार सेम ही डिवीजन का, 40 को 5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 × 8 प्लस 40 को 8 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएंगे 5 × 5 माइनस 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 7 × 4। यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लिया आपने, अब मल्टीप्लाई करें 4 × 8 = 32, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = माइनस आएगी यहाँ पर 7 × 4 = 28, ठीक है। नीचे आपके पास 40 पड़े हुए हैं, प्लस करके माइनस करें, 32 और 25 कितने हो रहे हैं आपके पास, 32 और 25 ये हो गया आपके पास 7 × 5 = 57। 57 से आपने क्या करने हैं, 28 माइनस करने हैं, 57 से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 17, 17 से आपके पास 8 गए तो यहाँ पर 9 आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 4 बचे, 4 से 2 जाएंगे तो रिमेनिंग आपके पास 2 बचेंगे, यानी कि ऊपर नंबर आ रहा है आपके पास 29 और नीचे आ रहा है नंबर आपके पास 40, तो ये इसका आंसर कंसीडर किया जा रहा है। होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट है, उसमें ये दोनों पार्ट थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए। अब जो आपका होमवर्क जाता है मेरी बुक का, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में जा रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्सरसाइज 2 बुक पेज है इसका 31, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है मैं आपको बताता चलूं, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस में, सिंपल और कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेप मैथमेटिक्स में खुद बताता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास स्टेटमेंट मिली हुई है कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर गिवन है, यानी कि जो आंसर आ रहा है किन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है आपस में तो जो आंसर मिला हुआ यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन थी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन थी ये आपके पास कि स्क्वायर रूट क्या होता है बेसिकली, या स्क्वायर क्या होता है, नंबर्स को नंबर के साथ, सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट मिली हुई है उसके लास्ट में जो नंबर मिला हुआ है 944.578756, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, इस नंबर का जो नंबर गिवन है स्क्वायर रूट, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो जो एक नंबर मिलेगा वही इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, होमवर्क सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दें। इस क्वेश्चन में ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।